इंडियन बॉलर्स को बहुत ज्यादा सूट करने वाली है। रोहित शर्मा बेहतर कप्तान है एज कम्पेयर टू बाबर आजम। बाबर आजम को इस मैच में परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब 30% चांसेस है कि पाकिस्तान जीतेगा, 70% चांसेस है कि इंडिया जीतेगा। वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऐसा मैच होता है जिसमें कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सा बॉलर अच्छा परफॉर्म करेगा, कुछ आइडिया नहीं होता है इस मैच पे। अगर इस पिच की बात की जाए स्पेसिफिकली, तो ये पिच थोड़ा सा स्लो ट्रैक है। मेरा जहाँ तक ख्याल है ये स्पिनर्स को सूट करेगा, ये मैच स्पिनर्स का ही होने वाला है। और जिस तरह से इंडियन स्पिनर्स परफॉर्म कर रहे हैं, कुलदीप यादव हो गए, जडेजा हो गए, अश्विन हो गए, जिस तरह से ये लोग परफॉर्म करते आए हैं और कर रही है, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है ये मैच, ये पिच इंडियन बॉलर्स को बहुत ज्यादा सूट करने वाली है। कप्तानी की अगर बात की जाए, रोहित शर्मा की कप्तानी को अगर कंपेयर किया जाए बाबर आजम की कप्तानी के साथ, तो मुझे ये लगता है कि रोहित शर्मा बेहतर कप्तान है एज कम्पेयर टू बाबर आजम। बाबर आजम को इस मैच में परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप दुनिया के नंबर वन बैट्समैन होते हैं, आप लोगों की नजरें आप पर होती हैं, खासतौर पर इतने बड़े मैच के अंदर, तो बहुत जरूरी है उनका परफॉर्म करना। तो रोहित शर्मा भी इस टाइम बहुत अच्छी फॉर्म में वापस आ चुके हैं, और इस तरह की फॉर्म जब लगी हो और आप पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने वाले हो, तो विराट कोहली एक मैच फिनिशर हैं, और ये मैच भी उनके ऊपर इंडिया काफी ज्यादा डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलिंग का कोई पता नहीं है। अगर पाकिस्तानी बॉलर्स ने अली विकेट निकाल लिए, और जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी मैचेस में, पिछले मैचेस में इंडिया के अगेंस्ट विकेट्स निकालते रहे अली, और अगर तो निकाल पाए तो इंडिया के लिए काफी मुश्किल हो जानी है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी इस टाइम थोड़ा सा ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं, बॉल उस तरह से उनका सीन नहीं हो रहा, तो मुझे जहाँ तक लगता है शाहीन शाह अफरीदी के लिए ये मैच मुश्किल होने वाला है। और जिस तरह से पाकिस्तान श्रीलंका की बुल्स जीता है मैच, अगर उस चीज में पाकिस्तानी टीम को कॉन्फिडेंस दे दिया हुआ, खासतौर पर हमारे बॉलर्स को, शमलुल को, वारिस को, तो पाकिस्तान ये मैच पे एक कमबैक कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट, उनको बता सकता है कि भाई हम भी इस टूर्नामेंट खेलने आए हैं। और जिस तरह से रिसेंट पास में अगर देखा जाए, गेन राहुल ने परफॉर्मेंस शो की है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, एक प्रेशर मैच था, 3 विकेट्स जल्दी आउट हो चुके थे, लेकिन फिर आईकेएल राहुल एक बेहतरीन सेंचुरी, तकरीबन सेंचुरी 97 रन स्कोर कर दिए। तो मेरा जहां तक ख्याल है केएल राहुल इस मैच में भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। हार्दिक पांड्या भी मैच फिनिशर है, उसके अलावा जडेजा भी नीचे आके अच्छी बैटिंग कर जाते हैं, इवन अश्विन थोड़ा बहुत बैट कर सकते हैं। तो इंडिया की तो इस टाइम इतनी मुश्किल नहीं है, मुश्किल जो है वो पाकिस्तान के लिए है। और अगर विन प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, तो वो भी यही कह रही है, तो मुश्किल पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि 30% चांसेस है कि पाकिस्तान जीतेगा, 70% चांसेस है कि इंडिया जीतेगा, एंड इफ यू आस्क मी, तो मुझे लग रहा है 80% चांसेस है कि इंडिया जीतेगा, 20% चांसेस है पाकिस्तान जीतेगा। ठीक है, इंडिया को इस मैच में होम ग्राउंड का एडवांटेज है, और जब आपका ग्राउंड बैठा हो, जो अब आपको इतनी ज्यादा सपोर्ट मिल रही हो, तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली और बेहतर हो जाती है। ओवरऑल ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये मैच इन दोनों कंट्रीज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के बीच में क्रिकेट बहुत कम होता है, बहुत कम मैचेस देखने को आते हैं आपस में इन दोनों कंट्रीज के। तो इतने बड़े टूर्नामेंट में जब ये दोनों कंट्रीज खेलेंगी, वो भी इंडिया के होम क्राउड के सामने, तो एक बहुत इंटरटेनिंग मैच होने वाला है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बैंक का बटन दुकान मत भूलिएगा।